नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर प्रवास के दौरान सोमवार को मूकबधिर दिव्यांग विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने हिमायूपुर मोहल्ले में स्थित मूकबधिर विद्यालय में बच्चों से मुलाकात की। इसमें उन्होंने बच्चों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को भी देखा और सराहना की। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर इन मूक व श्रवण बाधित दिव्यांग बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। काफी देर तक ताली बजाकर उन्होंने सीएम योगी का अभिनंदन किया। बच्चों के इस आत्मीय उत्साह को देखकर मुख्यमंत्री योगी भी भावुक हो गए और उन्होंने हाथ उठाकर मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन स्वीकार किया और बच्चों को खूब आशीर्वाद दिया। संकेतों में बच्चों से उनका कुशलक्षेम जानने के बाद मुख्यमंत्री ने सबको उपहार भेंट किए और मुलाकात के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। बच्चों ने खुद से बेहतरीन कलाकृतियां सजावटी सामान बनाए थे। मुख्यमंत्री ने बच्चों के हुनर की मुक्त कंठ से सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय परिसर समेत क्लासरूम का भी निरीक्षण किया और वहाँ की व्यवस्था का जायजा लिया। मूकबधिर बच्चों को शिक्षा देने में प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों और उनकी गुणवत्ता की जानकारी भी दी। संकेत विद्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों से संवाद भी किया। एक शिक्षक ने उनकी बातों को संकेतों के जरिए बच्चों तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विद्यालय में छात्रावास का निर्माण कर इसे आवासीय बनाएं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के दिव्यांग बच्चों को काफी राहत मिलेगी, उनकी प्रतिभा का विकास होगा। आवासीय विद्यालय में बच्चों को सुरक्षित वातावरण दिया जाएगा। संकेत विद्यालय तक आवागमन की कतिपय दिक्कतों पर उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी व नगर निगम यह सुनिश्चित करें कि इस विद्यालय तक आवागमन का रास्ता मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। मानसरोवर मंदिर के पास रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 343 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का सीएम ने उपहार दिया। इसमें 35 विकास परियोजना का लोकार्पण और 41 का शिलान्यास शामिल रहा। इनमें से सर्वाधिक परियोजनाएं जल निगम नगरी की है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री घंटाघर में 27,53,00,000 रूपए की लागत से बनने वाले वाणिज्य कम्प्लेक्स और मल्टी लेवल पार्किंग और 20,43,00,000 रूपए की लागत से बनने वाले गौरव संग्रहालय का शिलान्यास भी कर रहे पहुंचे। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में जल निगम नगरी के 193,69,70,000 रुपए की दो, नगर निगम की 19,08,19,000 रुपए की 30 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इससे पहले 2 सितंबर को मुख्यमंत्री जिले को लगभग 629 करोड़ रुपए के विकास कार्य की सौगात दे चुके हैं। इस कार्यक्रम में 195 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया था। भाइयों बहनों, आज गोरखपुर की 342,51,00,000 रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। विकास आज गोरखपुर की पहचान बन रही है। इन विकास की परियोजनाओं में सड़क की परियोजनाएं भी हैं, जल निकासी की परियोजनाएं भी हैं। गोरखपुर की ऐतिहासिक और पौराणिक परंपरा से जुड़े हुए गौरव संग्रहालय की स्थापना का कार्यक्रम भी है। तो साथ ही साथ गोरखपुर के लिए मल्टी लेवल पार्किंग बंधु सिंह पार्क में स्थापित हो, इसके लिए इस परियोजना का शिलान्यास भी है। और गोरखपुर के अंदर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से किसी भी प्रकार की जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों से बचाव के लिए भी सीवर लाइन के लोकार्पण और उनके ट्रीटमेंट के कार्यक्रम के साथ साथ अन्य तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। हम सब जानते हैं आज से 6 वर्ष पहले तक गोरखपुर के बारे में लोगों की धारणा क्या थी, विकास की स्थिति क्या थी, गोरखपुर की पहचान किस रूप में लोग लेते थे और उत्तर प्रदेश के बारे में जो गोरखपुर के बारे में धारणा थी, यही धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में भी देश के अंदर थी। प्रदेश के अंदर गोरखपुर के बारे में और प्रदेश के बाहर गोरखपुर के बारे में यही धारणा लोगों की थी। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 6 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जहां पिछले 9-9.5 वर्ष में देश ने प्रगति की है, वैश्विक मंच पर एक नई प्रतिष्ठा बनाई है, ऐसे ही 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने देश में और गोरखपुर ने उत्तर प्रदेश और देश के अंदर
आज अपनी एक नई पहचान बनाई है और ये पहचान विकास की है, सुशासन की है, बेहतर कानून व्यवस्था की है। वर्षों और दशकों से लंबित पड़ी हुई परियोजनाएं आज पूरी हो रही हैं। ये परियोजनाएं हाईवे की, रेलवे की, फ्लाईओवर ब्रिजेज की, बड़े बड़े सेतुओं के निर्माण की, बंद फर्टिलाइजर कारखाना फिर से प्रारंभ हो गया है, रामगढ़ ताल आज एक बार फिर से गोरखपुर की पहचान बन करके दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं कहेगा कि उनके पास कोई एक इस प्रकार का ताल है जो पर्यटकों को आकर्षित कर ले, बल्कि गोरखपुर भी कह सकता है कि भाई आपसे ज्यादा बेहतरीन ताल रामगढ़ ताल हमारे पास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा जयंती पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया और कहा कि बीते 9 साल में हमने बदलते भारत को देखा है जो कि एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि G20 में भारत की वैश्विक ताकत का एहसास पूरे विश्व को हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत के शिल्पी हैं। यही प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल का प्रयास है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कामगारों और कारीगरों को अब नई तकनीक से जोड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ के अवसर पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस मौके पर विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारी उद्योगों का बड़ा महत्व है, लेकिन सूक्ष्म उद्योगों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उद्योग देश को आगे ले जाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे, यही भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। पुराने सरकारों ने बड़े उद्योगों को आगे बढ़ाया, छोटों को पीछे करने का काम किया, लेकिन इस चक्कर में बड़े उद्योगों को आगे नहीं बढ़ा पाए। इसका परिणाम यह रहा कि छोटे उद्योग, कारीगर और शिल्पकार सब खत्म होते गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अब सबको बढ़ा रहे हैं, यह एक नए भारत की शुरुआत है। भाइयों बहनों, पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर हम सब ने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत 140 करोड़ लोगों की आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक बनकर के दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। जो भारत दुनिया के लिए और संपूर्ण मानवता के लिए आशा की एक नई किरण है। G20 के अभी हाल ही में संपन्न हुए समिट के माध्यम से वैश्विक स्तर पर भारत की ताकत का एहसास पूरी दुनिया ने किया है। प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व है जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। आज जब प्रधानमंत्री जी के पावन जन्मदिन के अवसर पर हम सब एकत्र हुए हैं अपनी शुभेच्छा और अपनी शुभकामना उनके प्रति हम सब व्यक्त कर रहे हैं, इस अवसर पर भारत के हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी एक नई योजना को शुभारंभ करने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे टेलीविजन के माध्यम से, सामने की स्क्रीन में भी, एक एक स्टॉल पर जाकर के उन हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहन देना, उनके मनोबल को बढ़ाना और उनके माध्यम से एक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से होने जा रहा है। सहारनपुर SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देशन में गागलहेड़ी पुलिस ने 24 घंटे में हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव कोलकी में बैटरी की परेड बनाने की फैक्ट्री के कर्मचारी साजिद की हत्याकांड मामले में पुलिस ने फैक्ट्री मालिक विक्की के भाई विक्रांत को ही गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि विक्रांत ने फैक्ट्री में कर्मचारी साजिद निवासी पिलखनी थाना सरसावा की रात को सोते समय लोहे की रोड से हत्या कर दी थी। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए फैक्ट्री मालिक विक्की के भाई विक्रांत को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। 15 तारीख को थाना गागलहेड़ी में एक लिखित सूचना प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि एक साजिद नाम का व्यक्ति है जो कि एक बैटरी फैक्ट्री है जो कोलकी ग्राम के पास में है,
जो ऑपरेटर के पद पे वहां कार्यरत था उसकी किसी अज्ञात अभियुक्त ने सर पे रॉड मारकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जब पुलिस इसमें जांच में जुटी तो पाया गया कि जो फैक्ट्री ओनर है प्रमोद वालिया, उनके जो एक बेटे हैं विक्रांत विक्रांत वालिया, उसी से मृतक का कुछ बीते कुछ दिनों से आपसी अनबन थी, तनाव था और कहासुनी भी हुई थी। इसी के चलते जो है 14/15 की रात में जब वह मृतक सो रहे थे वहाँ पे, जो साजिद नाम का व्यक्ति है चारपाई पे, तो तभी मौका देखकर जो विक्रांत है उसने लोहे की रॉड से सर पर हमला किया 3 बार, और जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई और वह वहाँ से डर के भाग गए और रॉड फैक्ट्री के ही प्रेमिसेस में कहीं छुपा दी। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।